Today we will talk about Ayurveda, which comes under Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery. आज इसको हम डिटेल में जानेंगे. सबसे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी जिनको हम रेक्टिफाई करेंगे वन बाय वन. As we know that after NEET we have a lot of career options. But हम NEET के बाद BMS को ही क्यों प्रेफरेंस दें, वो उससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज हैं. लाइक why should we pursue BMS? Is it a good career option or not? Its benefits and its scope in future. सबसे पहली बात, हम उसे ले क्यों? और नीट के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं, MBBS, BMS, BDS, PPT, बी फार्मेसी एंड बहुत सारे. अगर कुछ नहीं मिलता तो लास्ट में स्टूडेंट्स क्या देखते हैं, चलो BSc एग्रीकल्चर कर लिया, नहीं तो नर्सिंग देख लेते हैं. बट एक BMS की मतलब आज के टाइम में क्या डिमांड है, कितनी डिमांड है और इसकी इसका स्कोप क्या है फ्यूचर में. इन मॉडर्न सिनेरियो आज के टाइम पे जो पब्लिक डिमांड क्या है, इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, हम इसे डिमांड एक नीड कहेंगे. इसकी बहुत नीड है, इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसमें आयुष प्लस मॉडर्न हेल्थ केयर के थ्रू हम लोगों को स्वस्थ रखते हैं. और भी उसके अलावा बहुत सारे सारे ऑप्शंस हैं. बट उस पर आने से पहले जो स्टूडेंट्स के माइंड में फियर होता है उसको हम देखते हैं. करते क्या है, जो मतलब आफ्टर नीट किसी का MBBS में 5 नंबर, 10 नंबर, 15-20 नंबर से रह जाता है तो वो क्या करते हैं, BMS, मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स का ये रहता है BMS ले लेते हैं, साथ में नेक्स्ट ईयर दोबारा नीट दे देंगे. ठीक है, 5 नंबर से रह गया, 10 नंबर से रह गया, प्लान बी, मतलब कोई बुरी बात नहीं है, हर कोई रखता है. बट ठीक है, तुम्हारा मतलब तुमने तैयारी कर रखी है नीट की, साथ में तुम BMS का भी करते जाओगे, हो जाएगा. बट कई स्टूडेंट्स क्या हैं, चलो फर्स्ट ईयर में नहीं हुआ, सेकेंड ईयर भी ले लेते हैं BMS का, थर्ड ईयर भी ले लिया. इससे क्या होता है, उन्होंने BMS में तो कुछ सीखा नहीं, सारा बेसिक्स 3 साल वहाँ खराब किए, खराब नहीं कह सकते, जो भी ये 3 साल वहाँ लगाए और 3 साल नीट का भी नहीं हुआ, ना तो यहाँ सीखा ना तो कुछ वहाँ सीखा. ये नहीं करना, और यही स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती होती है जो वो करते जाते हैं. तो हमें उसी चीज़ को बाहर निकालना है, अपने फियर को, और इसे एक सेकेंड ऑप्शन की तरह नहीं, इसे एक मतलब निराश मन की तरह नहीं, इसे खुले दिल से एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए. और इस पे हमें एक डायनेमिक माइंडसेट रखना पड़ेगा. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है आज के टाइम पे, जो स्टूडेंट्स का फियर है यही है सबसे पहले नंबर पे. फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके करियर चॉइसेस के बारे में, बेनिफिट्स एंड स्कोप. आफ्टर BMS वी हैव अ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्लिनिकल प्रैक्टिस, एकेडमिक रिसर्च, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी. इसमें बिकॉज सबसे पहला सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है, आयुर्वेदा. इवन भारत को आयुर्वेदा के नाम से ही जाना जाता है, और यहाँ पे नॉट इवन इन इंडिया, अब्रॉड में भी इसका बहुत बड़ा स्कोप है. और इसके सबसे ज़्यादा क्या है, मार्केटिंग में, मार्केटिंग डिमांड बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पे आयुर्वेदा की. एंड इसके अलावा सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस की. क्लिनिक आफ्टर BMS आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में आपको एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई करके गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं BMS की, जिसमें NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर या फिर MPH के अंडर बहुत सारी वैकेंसीज हैं. या फिर आप खुद का अपना पंचकर्मा सेंटर भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जिसकी इन टू डे सिनेरियो बहुत डिमांड है, नॉट इवन इन इंडिया, अब्रॉड टू. इसके बाद रिसर्च में आप जा सकते हैं. BMS के बाद आपको MD करना पड़ेगा, MD के बाद आप रिसर्च में जा सकते हैं, या फिर आप अकेडमिक्स, हमारे पास अलग ऑप्शन होता है, अकेडमिक्स में भी आप BMS करके आप कोचिंग दे सकते हैं स्टूडेंट्स को, गाइड कर सकते हैं, योगा में जा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके. और अच्छी बात ये है, लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आई है. हम जैसे कि हम कोविड पैंडेमिक की बात करते हैं, कोविड पैंडेमिक एक आयुर्वेदा को और निखार के बाहर लेके आया है. पैंडेमिक के साथ साथ इसने
आयुर्वेदा को बहुत निखारा है और हर घर में लोग अवेयर हुए हैं। अब इवन हर घर में आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन मिल जाएगी, हर घर में, और आयुर्वेदा तो घर घर में बसा ही हुआ है। उसके अलावा हम बात करते हैं एकेडमिक्स में आप एमडी करके लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सब कर सकते हैं। इसके बाद पीएचडी भी परस्यू कर सकते हैं। उसके बाद हम करियर अपॉर्चुनिटीज हॉस्पिटल हेल्थ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, इसमें आप बीएमएस के बाद एमबीए करना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद आप मैनेजमेंट में जा सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, इसकी बहुत डिमांड है, इवन डिमांड हर चीज़ की है, बट आपको अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा और स्मार्ट वर्क के थ्रू चलना पड़ता है। एक डायनेमिक माइंड बहुत ज़रूरी होता है इन सब चीज़ों के लिए, और सबसे माइंड भी बाद में डायनेमिक होएगा, सबसे पहले आपको अपने फियर को निकालना पड़ेगा। फियर को निकालने के लिए इसको आपको एक सेकेंड ऑप्शन की तरह नहीं, इसको एक खुले दिल से एक्सेप्टेंस मिलकर ही हो सकता है। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर खोल सकते हैं या फिर किसी फार्मा कंपनी के अंडर जॉब, ये सब इसके करियर ऑप्शंस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।